सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पराग। तुम लोगों ने मेरी काफी सारी वीडियोस देखी होगी। दिस वीडियो इज बेसिकली अबाउट डॉग, कैसे मैंने एक डॉग को रेस्क्यू किया, मैंने उसको मेरे से जितना हो सके उतना उसको पेट किया, उसका ध्यान रखा एंड देन उसको किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हैंड ओवर किया, जस्ट बिकॉज मेरी में फिलहाल इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उस डॉग को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ। जब से मेरे लाइफ में मीकू इंट्रोड्यूस हुआ है, आई हैव बीन वेरी कीन एंड यू नो सेंसिटिव टूवर्ड्स डॉग्स। तो मेरे को जब भी मौका मिले, मेरे पास जितने भी पैसे हो, आई ट्राई टू फीड दैम। कोशिश करता हूँ कि उनको जितनी भी नेसेसिटीज हो मैं उनको अपने एंड से प्रोवाइड कर सकूँ, फिर वो भले ही 2 रुपये का पार्ले जी क्यों ना हो या फिर वो 20 रुपये का चिकन क्यों ना हो। तो आई हैव बीन वेरी सेंसिटिव रिगार्डिंग इट एंड जब से मीकू मेरे लाइफ में आया है, मेरे को और रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ मैं टूवर्ड्स एवरीथिंग। तो दिस वीडियो इज माई वे ऑफ शोइंग लव सच प्योर सोल्स, सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वन। कीप इट अप। मीकू काफी ज्यादा जेलस है क्योंकि वी रेस्क्यूड अ पापी एंड देखो इसका, देखो इसकी हालत देखो। मीकू काफी ज्यादा इनसिक्योर होते हुए रेस्क्यूड एन अबेंडेंट पप्पी। लाइक अभी मैं मीकू को नीचे वॉक पर लेकर गया था, वहां पर मैंने देखा कि ये पप्पी था एंड काफी ज्यादा कांप रहा था, गंदगी में, शायद भूख लग रही होगी एंड जो आजू बाजू वाले लोग थे वो तो खैर ध्यान नहीं दे रहे थे एंड नीचे बड़े बड़े कुत्ते तो उनका भी खतरा था। तो मैं उसे उठा के घर ले आया एंड मैं देखूंगा लाइक उसकी अगर मॉम अगर उसकी मॉम हमें मिल गई तो मैं इसको फिर छोड़ दूंगा। डोंट रियली नो कि इसका मतलब एज कितना रहेगा, वैसे तो काफ़ी छोटा लग रहा है, नॉट इवन 1 मंथ। तो हम लोगों ने उसको नहलाने की बजाय वाइप किया, ठीक है, एंड उसको अभी मस्त टॉवल में लपेट के ही इज ट्राइंग टू स्लीप। बट दिस कुत्ता इज नॉट लेटिंग हिम स्लीप। तो अभी ये जा रहे नीनी करने, ठीक है, फिर जो भी है जैसा भी आगे का अपडेट मैं तुम लोगों को देता हूँ। फिलहाल ये कुछ खाने के भी मूड में नहीं लग रहा है, तो देखो इनसिक्योरिटी। अगर ऐसे इतने इनसिक्योर होते हैं डॉग्स तो क्या ही बोले। मीकू आज वो सारे एक्शंस कर रहा है जो हम लोग तरस रहे थे देखने के लिए। ऑनेस्टली लाइक ऐसे मैंने काफी सारे पपीज वगैरह देखे हैं बट कभी मेरी हिम्मत नहीं कि उनको मैं घर लेकर आऊं। आज ट्रली गंदगी के अराउंड था एंड मुझे पता था कि या तो ह्यूमन या तो डॉग कोई ना कोई तो इसको कुछ ना कुछ तरीके में हार्म पहुंचाई गई। तो मैं इसको अपनी मम्मी से अलग नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया अगर कि इसकी मॉम कहाँ पर है, बिकॉज यू नो स्ट्रे डॉग्स की यही लाइफ होती है यार, पैदा तो हो जाते हैं बट फिर अबेंडन हो जाते हैं, कितने मारे जाते हैं, मेरे को वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। हमारे बिल्डिंग में एक्चुअली बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स थे बट अभी सब किसी को अलाउड नहीं है किसी भी स्ट्रे डॉग को एंड मेरे सामने मैंने देखा लिटरली लोग कार से कुचलते हुए, मेरे को बोलने भी अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे पास अभी घर पे मेरे खुद पेट, इसीलिए क्योंकि यार ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, वो एक प्राणी है जिसमें जान है, तो यू शुड बी केयरफुल विथ योर एक्शंस एंड रिएक्शंस। तो इसलिए भी मैं उसको घर ले आया हूँ, एनीवेज ये सब साइड में रखते हैं, अभी वो आराम कर रहा है, फिर जो भी आगे का अपडेट आई विल गिव यू, बट फिलहाल के लिए मीकू की इनसिक्योरिटी इज हर्टिंग। क्या बोलूँ लाइक इसके बारे में, काफी छोटा सा है, अभी इसकी नींद कम्प्लीट हुई है, इसने थोड़ा सा सिर्फ दूध पिया है, लोग इसको नहीं रख सकते जस्ट बिकॉज इसमें काफ़ी सारे टिक्स एंड फ्लीज है एंड मीकू काफ़ी लाइक प्रोन है इन सब के। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की एंड एक बंदा है जो विलिंग है इसको अडॉप्ट करने के लिए एंड वो इसका ख्याल रखेगा छोटे से का, ए शैंकी नाम रखने वाला था मैं इसको। ओके, तो जो अभी मैंने पेट रेस्क्यू किया था उसको हम लोग ने लाया, उसको अभी हम लोग ने खिलाया वगैरह, अभी वो मस्त एकदम सो रहा है। इसको अडॉप्शन के लिए मतलब अपने पास रखने के लिए मैं कोई दिक्कत नहीं है। हमने अंदर के रूम में इसको सुलाया था मेरे बिस्तर पे, तब जाके थोड़ी देर सोया है। इसको स्पेशल प्रायोरिटी है कि ये बिल्डिंग में रह सकता है। तो या बाय बाय शैंकी, बाय बाय।
लिटरली मेरे पाम साइज का है। शैंकू शैंकू आर यू क्राइंग बेबी, आर यू क्राइंग? वैसे तो हमारे सोसाइटी के कंपाउंड में इज टोटली सेफ, लाइक इसको मैं ही खुद फीड करूंगा, बट घर नहीं रख सकता बिकॉज घर पे ऑलरेडी नीको है एंड वो काफी ज्यादा इनसिक्योर है एंड मैं नहीं चाहता कि, समझ रहे हो तुम लोग, यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बुरा लगता है कभी कभी ऐसा कि मतलब इतने स्टेट में हम लोग नहीं है, मैं स्पेशली अपनी बात कर रहा हूँ, स्टेट में नहीं है, इन सारे हेल्पलेस पुअर सोल्स को मैं यू नो हेल्प कर सकूँ। बट या वो भी टाइम आएगा जब हम, मैं इनको फीड भी करूँगा, इनको प्यार भी करूँगा। दैट्स इट, अब मैं इससे पहले इमोशनल हो जाओ, लेट अस कंटिन्यू द टुडेज व्लॉग। बाय बाय शैंकी, एक्चुअली मैंने फ़ोन कर दिया, मैनेजर आ रहा है तो वो आएगा तभी मैं निकलूँगा। तो गेट सक्सेस। Guys, right now it's 6 in the evening. तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, मतलब मेरे को काफी ज़्यादा कफ हो गया। Anyways, the main motive of making this video was to make you guys aware कि भैया तुम्हारे आसपास भी काफी सारे stray dogs होंगे and dogs बेजुबान होते हैं, ठीक है? They only know to bark and they only know to bite. अगर ऐसा तुम लोगों को कभी भी मिलता है, if तुम लोग उस condition में या उस level पर नहीं हो कि तुम उसकी कुछ help कर पाओ, तो देर आर अ लॉट ऑफ हेल्पलाइन नंबर्स जिस पर मैंने कॉल करके मेरे शैंकी को मैंने एक अच्छी जगह रखवाया। तुम लोग वो गूगल पे ये सब सारी चीज़ें इजीली मिल जाएगी। दिस वीडियो इज फॉर माय पर्सनल मेमोरी बिकॉज ये इतना लाइक ऑल ऑफ सडन हुआ ना, मैं मीकू को वॉक पे लेके गया था एंड वहाँ पे मुझे शैंकी मिला एंड मैं फिर उसको घर लेकर आया। हम लोगों ने उसको अच्छे से वाइप वगैरह किया तो पता चला कि उसके अंदर टिक्स फ्लीज एंड कीड़े हैं, मतलब कीड़े इन द सेंस ऐसे भी नहीं कि छोटे छोटे थे, काफ़ी बड़े बड़े उसके ऊपर क्रॉल कर रहे थे। फिर उसको हमने खाना वगैरह खिलाया, अच्छे से उसको वाइप आउट वगैरह किया एंड फिर हम लोग उसको अच्छे तरीके से हैंडओवर कर कराए। हैंडओवर मैं नहीं करता अगर मेरा मीकू इन्फेक्शन के प्रोन नहीं होता तो। बट एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज काइंड आई एम फीलिंग लाइक एन अचीवमेंट। Love for stray dogs can never be compared with any sort of love in this world. And ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे जो कॉमेंट करेंगे कि यू यूज दैट पपी टू मेक अ वीडियो, या तो मैंने उस पपी को एज अ कॉन्टेंट कंसिडर किया। मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता बट मैं जानता हूँ मैं कितना सच्चा हूँ, मैं जानता हूँ मैंने किस इंटेंशन से उसको अपने घर लाया, उसको मैंने उसका उसकी देखभाल करी, उसको क्यों नहीं रख पाया वो भी मैंने तुम लोगों को वीडियो बताया। आगे इट्स ऑल अप टू यू, तुम्हारी सोच है, यू हैव द होल एंड सोल राइट कि तुम लोग मुझे जज करो। आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बी जेंटल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, enjoy your life and please subscribe to my YouTube channel. Thank you, bye bye.